नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रेवाड़ी शहर की। रेवाड़ी में कोरोना से बेहाल लोग, आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है और अब सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। ठीक है, तो बात करेंगे रेवाड़ी की। तो मैं आपको सबसे पहले रेवाड़ी का बता देता हूँ हाल क्या है। देखिए, रेवाड़ी में कल 14 नए केस सामने निकल कर आए हैं। रविवार को रेवाड़ी के अंदर 14 नए केस सामने निकल कर आए हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको धारवेड़ा से। धारवेड़ा से 4 नए केस मतलब कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो कि मैंने कल भी बताई थी अपनी वीडियो के अंदर, रेवाड़ी में अगर बात करूँ तो धारवेड़ा से रोजाना केस निकल कर आ रहे हैं सामने और धारवेड़ा में अब केसों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, धारवेड़ा से 4 के बाद हम बात करते हैं बुड़ोली से। बुड़ोली से भी 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुड़ोली गांव को भी मैं बता देता हूँ कि बुड़ोली गांव से अब 2 पाए गए, तो कंटेनमेंट जोन तो जितने भी जहां पर ये पाए जा रहे कोरोना पॉजिटिव के, सभी जगह कंटेनमेंट जोन तो बना ही दिया जाता है। और अगर पहले से कोई कंटेनमेंट जोन है तो थोड़ी और सख्ती बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट बात करता हूँ भीमराव अंबेडकर कॉलोनी, ये कुतुबपुर में, यहाँ पर से 1 केस नया सामने निकल कर आया है। यहाँ पर भी अब केस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। और गुड़ियानी से बात करो तो 1 केस यहाँ पर गुड़ियानी से भी सामने निकल कर आया है। ठीक है, तो ये हो गए धारवेड़ा, बुड़ोली, भीमराव अंबेडकर कॉलोनी, कुतुबपुर और गुड़ियानी के केस। अब नेक्स्ट आपको और केस दिखाता हूँ मैं। और जो केस निकल कर आए सामने वो है बुड़ाना से। 1 नया केस सामने निकल कर आया बुड़ाना से। बुड़ाना के बाद कुंभावास से 1 और नया केस सामने निकल कर आया। देखिए, कुंभावास में पहले केस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे कुंभावास में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, शिवनगर के अंदर 1 नया केस सामने निकल कर आया रेवाड़ी के अंदर। मैं बता देता हूँ कि रेवाड़ी में केस बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ एक शिवनगर में नया केस सामने निकल कर आया है। सालावास में भी 1 नया केस सामने निकल कर आया कोरोना संक्रमित का। और पिलानी गांव में भी 1 संक्रमित पाया गया है। ठीक है, तो ये हो गए 14 लोग जो नए केस सामने निकल कर आए हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे अब किसकी, रेवाड़ी में अब कितने केस हो गए, कितने लोग ठीक हो गए पूरा उसमें। रेवाड़ी के अंदर अब 273 लोग ठीक हो चुके हैं, सॉरी टोटल केस हो चुके हैं, मतलब 273 लोगों का कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वो लोग। उनमें से 88 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक है, कितने लोग, 88 लोग यहाँ पर ठीक भी हो चुके हैं इस महामारी को मात देकर। एक्टिव केस की बात करो तो 180 एक्टिव केस है, मतलब 180 ऐसे मरीज है जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल्स में चल रहा है और कईयों को घर पर ही क्वारंटीन कर रखा है और उनका इलाज वहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, 5 लोगों की डेथ हो चुकी है रेवाड़ी में। बड़ी ही दुख की खबर है और चिंताजनक बात यही है विभाग के लिए और सभी लोगों के लिए कि रेवाड़ी के अंदर कोरोना वायरस से 5 लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश में एक अच्छी खबर भी है काफ़ी कि अब टोटल, देखिए अच्छी खबर मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप सुन लीजिए एक बार। हरियाणा के अंदर टोटल अब केस हो चुके हैं 13,965, मतलब 13,965 यहाँ पर केस हरियाणा के अंदर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। इसके बाद अच्छी बात यह है कि रिकवर रेट बढ़ता जा रहा है हरियाणा के अंदर। अब रिकवरी रेट मैं बता दूं आपको कि 9,022 लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ रिकवरी रेट अब हरियाणा का हो चुका है 65.13, मतलब लगभग 65% से भी ज़्यादा हो गया यहाँ पर हरियाणा का रिकवरी रेट, जो कि एक अच्छी खबर है। और डेथ मैं बता दूँ आपको कि 226 लोगों की हरियाणा के अंदर डेथ भी हो चुकी है। ये एक थोड़ा सा चिंताजनक विषय है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि डेथ यहाँ पर 226 लोगों की डेथ हो चुकी है हरियाणा के अंदर टोटल। और सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर खराब कह सकते हैं, माहौल भी खराब ही है क्योंकि वहाँ पर कोरोना संक्रमित ज़्यादा बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा केस सामने निकल कर आ रहे हैं। गुरुग्राम में ये छूट दे दिए कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे, लेकिन फरीदाबाद में अभी भी इस बात पर संशय और पूरा अच्छी तरह विचार करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि वहाँ पर खुलेंगे यानी शॉपिंग मॉल। बट गुड़गांव में काफ़ी छूट देने की उम्मीद है। और आज की अपडेट यहीं पर है रेवाड़ी की। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ, ये है कोरोना अपडेट। इसके बाद रेवाड़ी की जो और अपडेट्स है कोरोना को छोड़ के, और रेवाड़ी के अंदर क्या क्या न्यूज़ है वो अभी थोड़ी देर बाद आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो अभी हम डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।